हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अरिफुल इस्लाम जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। 1969 की गेम मार्डल पाल्टा जोनल टूर्नामेंट की अर्जेंटीना में खेला गया था। फ्रेंड्स, यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी हेनरिक मेकिंग, जो कि ब्राजीलियन चेस मास्टर थे, और उनके सामने थे एंटोनियो रुचा। आई थिंक ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी रहे होंगे, ज़्यादा डिटेल मुझे इनके बारे में पता नहीं चली। खैर, शुरुआत यहाँ मेकिंग ने की थी e4 के साथ। e5 यहाँ एंटोनियो ने खेला, नाइट f3 हुआ, नाइट c6, बिशप b5, रॉय लोपेज a6, बिशप को हटाना होगा, बिशप टेक c6, डी टेक c6, और इसके बाद वाइट ने यहाँ कैसल किया f6, देन हुआ d4, बिशप आया g4 स्क्वायर पर, नाइट कुछ देर के लिए पिन हो चुका है, दैट्स ओके। c3 यहाँ वाइट ने किया, देन बिशप आया d6 स्क्वायर पर, बिशप e3, देन क्वीन e7, नाइट बी गोज टू d2, नाइट h6, और यहाँ से ये नाइट कहाँ जाएगा? आई थिंक इससे बेटर कोई स्क्वायर है नहीं इस नाइट के लिए। h3, बिशप पर अटैक, तो बिशप पहुंच गया d7 स्क्वायर पर, क्वीन b3, और डायरेक्टली यहाँ इस b7 पॉन पर अटैक है, तो b6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। डी टेक्स e5, एफ टेक्स e5, देन नाइट गया यहाँ c4 स्क्वायर पर, माइट बी टारगेट, नॉट एग्जैक्टली, e5 पॉन पर टारगेट है। नाइट f7, ब्लैक को यहाँ करना ही पड़ेगा। वेल, अगर यहाँ नाइट टेक्स d6 विद चेक किया जाता है, तो एक काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग ऑप्शन खुलकर आती है, लेकिन यहाँ खेला गया रुक अटैक गोज टू d1। वाइट ने अपने रुक को सेंट्रलाइज किया, और ब्लैक के पास शायद कुछ वेटिंग मूव्स थे, शायद कैसल हो सकता था, काफ़ी कुछ किया जा सकता था। खैर, h6 पॉन भी आगे पुश हो सकता था, लेकिन बिशप के c5 स्क्वायर पर ले जाने के बाद बिशप टेक c5 ऑब्वियस है, क्वीन टेक c5 सही है, बी टेक c5 हो नहीं सकता, पॉन्स ट्रिपल हो जाते हैं यहाँ पर। देन यहाँ पर खेला गया रुक टेक्स d7, और फ्रेंड्स क्यों खेला गया है? पीस को अनडिफेंडेड करवाने की टेक्निक, एक्सचेंज सेक्रीफाइस दिया है। किंग टेक्स d7 होने के बाद अब यहाँ क्वीन का रास्ता इस नाइट तक किस तरह से हटेगा? नाइट को देने के बाद नाइट टेक्स b6 विद चेक, क्वीन टेक्स b6 ही किया, क्योंकि यहाँ ऑब्वियस है नाइट तो गया उनके हाथ से, तो ब्लैक आई कर रहा है इस b2 पॉन को। क्वीन टेक्स f7 विद चेक, देन हुआ किंग c8, और एक पॉन यहाँ पर वाइट ने लिया नाइट टेक्स c5, लेकिन इस पॉन की भरपाई क्वीन टेक्स b2 करके ब्लैक ने ऑलरेडी कर ली है। लेकिन मैं फिर भी एक मूव पहले की बात करता हूँ, ब्लैक को किंग को जरूर b7 सेफ्टी में लेकर जाना चाहिए था, और वाइट के इस पॉन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, थोड़ा सेफ गेम हो जाती। लेकिन क्वीन टेक्स b2 करके डायरेक्टली रुक पर तो अटैक बनता है, लेकिन यूजलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वीन b7 चेक, अब किंग गया b8 स्क्वायर पर, देन क्वीन d1, और फिर यहाँ एक और चेक की तैयारी है। क्वीन टेक c3 से क्वीन तो बचा ली गई, लेकिन चेकमेट नहीं बचती। वो कैसे नहीं बचती? रुक b1 चेक हुआ, यहाँ से अगर किंग c8 स्क्वायर पर आता है तो क्वीन d7 चेक, और ये मेट है, तो किंग के लिए बचता है a7 स्क्वायर। देन फाइनल मूव यहाँ पर मेरे हिसाब से होना चाहिए था क्वीन d4 चेक, इसी पॉइंट पर रेजिग्नेशन आ सकता था, लेकिन फिर भी एंटोनियो ने किया क्वीन टेक्स d4 पर। हेनरिक का फाइनल मूव था नाइट टेक्स e6 चेक, फॉक क्या जरूरत है जब यहाँ चेकमेट हो ही रही है। फ्रेंड्स, छोटी और बहुत ही अच्छी गेम, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।